मैडम अगर आपसे कोई बंदा शागिर्दी लेना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? मुझे नहीं लगता कि मैं सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद नहीं सीखा तो मैं किस तरह सिखाऊंगी। और मैं ये भी नहीं कहती कि मेरे अंदर बहुत बड़ी चीज़ है और मैंने किसी को नहीं बता सकती। हाँ, अगर मुझे ये लगेगा कि मैं आपको ये समझा सकती हूँ इंसानों को किस तरह समझना है, इंसानों की थिंकिंग को किस तरह समझना है, इसकी गाइडनेस मैं ज़रूर दे सकती हूँ, बट ये नहीं बता सकती कि जो जो मैं फ़ील कर रही हूँ आइज में, मैं यही एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं आइज में क्या फ़ील कर रही हूँ, किस तरह फील कर रही हूँ। मुझे तो जस्ट यही लगता है कि एक आँख में अक्स जैसे स्केच टाइप हो जाता है ना, एकदम स्केच आता और फील आता है, मैं बोल देती जब हूँ। आप आंख के अंदर देखती हैं, कोई आपके अंदर आगे मूवी वगैरह चलती है या नहीं, कोई कुछ जिन वगैरह कुछ आता है भी जो नहीं, आपको आगे बताता है ये, या कोई आगे लिखा हुआ आ जाता है इसको पढ़ के बता दें ये? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक जस्ट एक स्केचिंग और वाइब्स फीलिंग्स होती है ना, मुझे यही नहीं पता होता कि मैं एनालिसिस सही कर रही हूँ या नहीं, अल्लाह की दूसरा तरफ से होता है इंसान सारा बताता है कुछ। कि सही है ये गलत, मैं सिर्फ बोल देती हूँ जो मेरे दिल में आता है, मैं सही भी बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, जिसका एनालिसिस है वो बताएगा, मैं सिर्फ बोल देती हूँ, मैं जो फील कर रही हूँ मैं बस बोलती रहती हूँ। हर किसी का एनालिसिस डिफरेंट होता है या मिलता जुलता भी होता है? ये लोगों में बहुत ज़्यादा है कि भाई हम लोग ये चीज़ सेम है, ये थिंकिंग सेम है, ये पॉइंट सेम है, होता ही हर साइकी है लोगों की कि 60-50% लोग कहते हैं कि हर इंसान एक जैसा, अगर हर इंसान एक जैसा होता तो हर इंसान को एक जैसा इंसान क्यों नहीं मिल रहा, जो भी आपका लाइफ पार्टनर वो एक अलग थिंकिंग रखते हैं, एक अलग फीलिंग रखते हैं, एक अलग वाइब्स रखता है और आप अलग रखते हैं, तो सेम इंसान हो ही नहीं सकता, आपका नज़रिया अलग है, उस इंसान का नज़रिया अलग है, 10 में से 2% ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम थिंकिंग में आपको देख रहे होंगे, वरना 80% लोग आपको अलग अलग नज़रिए से ही देख रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन थिंकिंग अलग है, तो मुझे नहीं लगता हर कोई सेम है, बट हाँ कुछ पॉइंट सेम हो सकते हैं। अच्छा मिस, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसा कि मोस्टली होता है बंदा जिस तरह का सोचता है उस तरह उसको रात को अक्सर सोए हुए वैसे सपने भी आना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह की वो रीडिंग करता है, जिस चीज़ के अंदर वो टाइम देना शुरू कर देता है, हॉरर मूवी देखता है या उस तरह के नॉवेल्स पढ़ता है, तो इस तरह का कोई सीन तो नहीं था कि आप छोटे होते से इस चीज़ के अंदर ज़्यादा टाइम देती थी, इस तरह की आपने कहानियाँ पढ़ी हों, इस तरह के नॉवेल्स पढ़े हों, इस तरह की मूवीज़ देखी हों, इस तरह का सोचती हूँ जिसकी वजह से आपके अंदर ये करामात आती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ गुजारी है और बहुत छोटी उम्र से मैं अपने आप को ये कह सकती हूँ कि हम समझदार हो गए हैं, तो मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कोई रीडिंग का कोई, मुझे बहुत से लोगों ने इससे रिलेटेड ये बात की है लाइफ में क्या है, दुनिया में कौन कौन इस चीज़ को देख रहा है, इस रीडिंग क्या है, क्या इसको नॉलेज लो, इस चीज़ की बुक्स पढ़ो ये, बट मैंने अभी तक कोई बुक्स नहीं पढ़ी, मैं करना चाहती हूँ इस चीज़ की नॉलेज लेना चाहती हूँ, बट अभी तक मेरा कोई ऐसा कोई भी रिलेट नहीं है, थिंकिंग नहीं है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है और इसकी वजह से मैंने ये बात क्लाइंट को बताई, ऐसा कुछ नहीं जैसे वो नाम पूछते हैं, फिर वालदा का नाम पूछते हैं, फिर वालद का नाम, व्हाट्सएवर जो जो है। हाँ उनका जी, होता है, इसीलिए मैंने इस ये तरह चीज़ का एक्सप्लेन, आप कुछ भी सीन नहीं नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं आप सिर्फ करती, आइज को ही देखती हो, जी एनालिसिस कर जस्ट देती हो? आइस पे देखती हूँ, और अगर क्लाइंट नाम बताना चाहे इसलिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी के साथ मैनेज करना पड़ता है, तो मैं उनको एक टाइमिंग दे देती हूँ नाम के साथ, तो सिर्फ नाम पूछती हूँ वो भी ज़रूरी हो, तो अगर मैं फ्री हूँ तो फिर मैं एज आइस पिक लेके फॉर एनालिसिस स्टार्ट, आफ्टर 20 मिनट्स मैं एनालिसिस स्टार्ट कर देती हूँ, एक एनालिसिस का कितना टाइम लेती हैं? मैं कभी 1 घंटा भी ले लेती हूँ, कभी 2 घंटे भी ले लेती हूँ, एज अ 1 घंटा मेरा परफेक्ट एनालिसिस होता है, उसके बाद मैं दूसरे क्लाइंट्स की सुन रही होती हूँ वो किस किस वजह से परेशान है, उनका एडवाइस है, तो मैं तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, बट एज अ डीप एनालिसिस हो, कोई स्ट्रेस लेवल एनालिसिस हो, तो फिर 1 दिन पूरा भी लग जाता है। अगर किसी के डीप एनालिसिस है या टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उससे आप फीस अगेन चार्ज करती हैं उन्हीं नहीं पैसों नहीं में नहीं करती हैं? मुझे सिर्फ एक बार चार्ज देते हैं, उसके बाद वो 1 साल रहे मेरे साथ, 2 साल रहे, मैं कभी पैसे दोबारा नहीं लेती। वन टाइम हाँ क्वेश्चंस करेंगे, मैं कभी नहीं, डिफरेंट एनालिसिस के लिए प्रॉपर एक एनालिसिस करवाएंगे, फिर मैं चार्ज ज़रूर करती हूँ, वैसे मैं कोई चार्ज नहीं करती हूँ।